दुर्घटना है या हत्या, पुलिस नहीं कर पाई खुलासा। वरिष्ठों ने हत्या की जताई आशंका, उपखंड कार्यालय किया विरोध प्रदर्शन। शव लेने से किया इनकार, पहले आरोपी गिरफ्तार करो, 50 लाख का मुआवजा दो, फिर होगा अंतिम संस्कार। पुलिस ने शव को रखवाया डीप फ्रीज में। खबर कुचामन से है, जहां नागौर जिले के कुचामन खारड़ा क्षेत्र में बुधवार सुबह कड़वा का बाजरा अनुसूचित जाति के प्रेमाराम पुत्र भेरूराम मेघवाल का संदिग्ध अवस्था में शव मिलना दुर्घटना है या कोई हादसा, इसका खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। मृतक का शव पिछले 50 घंटे से राजकीय चिकित्सालय मोर्शी में रखा हुआ है। मृतक के परिजनों ने हत्या होने की आशंका जताते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। घटना की जानकारी पर भीम आर्मी के पदाधिकारी सहित सैकड़ों पुरुष और महिलाओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। मौके पर तनाव बढ़ता देख कुचामन, नावा, चितावा, मोलासर थानों में पुलिस जाब्ता बुलाया गया। भीम आर्मी सहित मृतक के परिजन रात भर अस्पताल मोर्चे के पास डेरा लगाए रहे। आज गुरुवार दोपहर को रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी पदाधिकारियों ने मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा सरकार से दिलवाने और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के पश्चात ही शव लेने की चेतावनी देते हुए उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। भीम आर्मी पदाधिकारी और परिजनों को पुलिस व अधीक्षक मोटाराम व उपखंड अधिकारी चौधरी ने वार्ता कर शव लेने के लिए समझाइश कर दबाव बनाया और निष्पक्ष जांच कर 3 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इस बीच भीम आर्मी के पदाधिकारियों और पुलिस प्रशासन में कुछ गर्मा गर्मी भी हुई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक नागौर को मौके पर आने और घटना का खुलासा करने की बात कही। जब तक खुलासा नहीं हो जाता, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती। मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि घटना के दोषी घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना होगा। उसके बाद भीड़ वापस मोर्चे के पास पहुंच गई और वहीं पर टेंट लगाकर बैठ गए। परिजनों ने बताया कि भू माफियाओं द्वारा हमारे साथ धोखाधड़ी की गई। खसरा नंबर 581 में स्थगन आदेश के बावजूद तहसीलदार ने संजय पुत्र नंदाराम बुगालिया, ललित मोहन पुत्र पद्माराम जाट सहित अन्य लोगों के नाम रजिस्ट्री पंचन करती है। ये लोग मौके पर काबिज होने लगे और तब ACGM कोर्ट पर बसन ने निर्माण नहीं करने का आदेश जारी किया। इस पूरे घटनाक्रम में कल से अब तक कई मोड़ आ चुके हैं। मृतक का असली हत्यारा कौन है, षड्यंत्र का मास्टरमाइंड कौन है, क्या हत्या को दुर्घटना का रूप देना और इसके साथ ही इसका खुलासा तो पुलिस जांच से ही हो पाएगा। पुलिस ने कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। घटना के पीछे का वास्तविक कारण है और कौन दोषी है, पुलिस ने घटनास्थल से और अन्य लोगों से कई साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को डीप फ्रीज में रखवा दिया है। मृतक की पत्नी और भाई सीताराम मेघवान ने पुलिस की हत्या की आशंका जाहिर करते हुए नामजद 2 अलग-अलग मामले दर्ज करवाए हैं। ये जो मसला चल रहा है, हत्या या दुर्घटना है, जो भी पुलिस जांच का एक विषय है, इस मामले लेकर आप कानूनी क्या राय देंगे? कानूनी राय यही है कि जो परिवार के लोग हैं और जो नज़दीकी जो मृतक है उसके परिवार के लोग हैं, वो जो भी शंका जाहिर कर रहे हैं उस पर उनकी जो जांच है, उनका अधिकार है जांच होने का, तो उस पर निष्पक्ष जांच हो और पुलिस को उनको आश्वस्त करना चाहिए कि निष्पक्ष जांच करके और पूरे मामले की खुलासा हो और जिससे उनको न्याय मिल सके। बॉडी को अभी तो उठाया नहीं गया है। बॉडी के लिए तो ये है कि परिवार जो जिन पे संदेह जता रहे हैं उन पे जांच नहीं हो रही है, इस कारण से ये लोग, इनका भी जो शक है और इनकी जो मांग है वो भी जायज़ है कि जिस व्यक्ति पे शक है अगर उनके बारे में इनकी जांच नहीं हो रही है तो बॉडी उठाने का फिर उनके बाद में क्या रह जाएगा, इसलिए इनका जायज़ जो मांग है वो पूरी की जानी चाहिए। न्याय के लिए इनकी जो तत्परता से जो न्याय है, मारा देवर ने मारे जिन्हें चोर ने पकड़ो अरे बिना सज्जा मिले जरूरी। कौन पर शक है? हाँ। कोई शक है कि 8:30 बजे फोन आयो जी, जी को डिटेल काटो बात, तुम्हारा घर नहीं आयो तो थाना कुछ कह कर गया कि तो बताओ क्यों माँ, तो काम हमारे टेलर का काम है, जो फोन करिए मन जो जा रहा हूँ मैं फोन आयो मन मानता को नहीं, मैं आता रहा घर आयो फोन नहीं, किसी की कटाक्ष करनी है और नहीं अपने को किसी को फैसले के लिए वहाँ जाना है। जो भी आएगा हमारे बीच में, जो भी आएगा यही आएगा, अपन चाहे 5 आदमी किधर भी बैठे हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 किधर बैठे हो कहा तुझे, लेकिन जो बात होगी वो मंच पे यहाँ होगी। बिल्कुल न्याय की बात है। कोई नहीं खा सकता राम।
चलो वहीं पे चलो सब अब खाने के बीच में ऐसा करोगे तो ये तो वो नादान वाली बात नहीं नादान ही नहीं कर रहे थे ना हमारा आज मांग रहे हैं हमने तो अभी हमारा आज मांग रहे हैं अरे तो सामने करवा इनको घर से यहाँ तक लेके आए और क्या कह के ले आए कि वो बॉडी आप रिसीव कर लो ये तो अनपढ़ है और इनसे अंगूठा लगवा लिया और अंगूठा लगा करके जिन लोगों का वहाँ कोई लेना देना ही नहीं है उन लोगों पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो क्या ऐसे करने से मतलब न्याय हो जाएगा नहीं होएगा ऐसा नहीं हो सकता करना चाहता है कुल मिला के यहाँ सावित्रीट कांड में उस जो मृतक था हनुमान राम मेघवाल उसको काट के हत्या करी थी हर आदमी इस चीज से वाकिफ है सब पता है ना सबको पता है ये चीज लेकिन इस तहसील में एक ऐसे आदमी को हमने एमएलए बना करके बैठाया जिस आदमी ने उन डॉक्टरों पे मतलब पे दबाव दे करके और उसको पोस्टमार्टम में ये दिखाया कि शायद लाठी उद्देश्य लेके मारा इसको क्या हमको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा हमको न्याय कभी भी नहीं मिल सकता इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरीके की नावा में जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं को हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे अभी हम एक रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे और पहुंच करके और इस ज्ञापन को हम मुख्यमंत्री के नाम देंगे का फायदा उठाया अतः स्थगन आदेश के बाद कचरा नंबर 581 में भी पंजीयन हुए है वो मौके पर ही निरस्त किया जाए दूसरी मांग हमारी ये है भाई जब इन प्लॉटों के लिए स्टे आ गया तो स्टे के बाद में बिना प्लॉट नंबर के रजिस्ट्री हो रही है यहाँ गडेले से और तहसीलदार इसके लिए जिम्मेदार है इनसे रजिस्ट्री करवा ली रजिस्ट्री करवा करके रात को 10:30 बजे फोन आता है वहाँ उनको बुलाया जाता है और बुलाकर को एकांत में ले जाकर के उसका गला काट के उसकी हत्या कर दी जाती है फिर गाड़ी से उसको नोच के बताते हैं कि एक्सीडेंट हो गया तो साथियों पुलिस भी अपने परिवार से ही पुलिस बनती है ये तो है नहीं कि ऊपर से टपकती है पुलिस वो भी औरत के जन्म लेती है हम लोगों ने औरत की जन्म लिया है तो बात ये है कि मामला कुछ और है और उसको घुमाया कुछ और जा रहा है तो इस चीज में हमें भ्रमित नहीं होना है हमारे जो पत्रकार मीडिया है उनको भी कल पुलिस ने भ्रमित कर दिया था आज उस चीज को हमें स्थगित जो सबूत है कि जो स्टे आया वो भी अपन दिखाएंगे और स्टे के बाद में जो रजिस्ट्री हुई वो भी आपको दिखाई जाएगी मैटर यही है इस मैटर को लेकर के उस बंदे की हत्या हुई है पूरे प्रूफ है हमारे पास तीन नंबर हमारी मांग यह है कि मृतक के भाई सीताराम ने पुलिस थाना कुचामन सिटी में 00/79/2020 ये एक मुकदमा दर्ज करवाया था जिसके पुलिस को धोखाधड़ी के सारे सबूत पेश करने के बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई चालान नहीं किया उसका कुचामन थाने में अगर समय पर कार्रवाई की होती तो आज परमाराम और पेमाराम की हत्या नहीं होती अतः दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए इस मामले में सीताराम ने 19/3/2020 को एसपी नागौर से भी मिले और ये मिल रहा है जी लेटर परंतु उन्होंने भी इस परिवार की कोई मदद नहीं की कुछ अधिकारियों पर वो माफिया हावी है साबित हो रहा है चौथी मांग हमारी ये है अनुसूचित जाति के परिवार के साथ में भूमाफियों के द्वारा दी गई जो धोखाधड़ी के पूरे षड्यंत्र का पुलिस जब तक खुलासा नहीं करेगी तब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी जब तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा परिवार ये परिवार है अनसक्षम है अभी नादान है इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए हम इस परिवार को न्याय तो मुलजिम चाहिए बस अब आधे मुलजिम जो तो बाद में पेश हो जाएगा ये आज पब्लिक आई है इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आई है
जितने मुलजिम माए नहीं हुए ना जितने मैं मेन मुलजिम माए नहीं हुए जितने मैं बोली नहीं है बोली नहीं न्याय चाहिए जे न्याय चाहिए जे क्या कहना चाहोगे आप इस घटना को लेकर के? हाँ, घटना को लगभग 40 घंटे हो गए और प्रशासन मात्र आश्वासन नहीं देता रहा है जो कि अपराधियों को उन्होंने गिरफ्तार करने में कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया। तो हम सभी यही मांग है कि तुरंत अपराधी पकड़े जाए और पीड़िता को न्याय मिले और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिले और उनको सुरक्षा मिले। प्रशासन द्वारा बार बार आप लोगों का जा रहा है पांच आदमी आकर के बैठ के बात करे? हाँ, प्रशासन बिल्कुल कह रहा है, परंतु यहाँ सभी लोग आप लोगों से राय के बाद में ऐसा किया जाता है, जबकि सभी राय है कि उच्च अधिकारी और आगे हमें आश्वासन देते दमन तहसील में भाजपा ग्राम की जो घटना घटित हुई है, 40 घंटे होने के बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा अभी तक पीड़ित परिवार की जो मांग है आरोपियों को गिरफ्तारी हो, उचित कार्रवाई हो, इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। पीड़ित परिवार और सर्व समाज सभी बुद्धिजीवी लोग एसडीएम कार्यालय कुचामन बैठे हैं और इन लोगों की सभी की यह की मांग है कि जब तक नागौर की माननीय एसपी साहिबा पीड़ित परिवार से बात करने के लिए नहीं आएगी, तब तक हम किसी भी प्रशासन और शासन के नुमाइंदे से बात नहीं करेंगे। तो क्या आपको किसी अधिकारी में शक है क्या इस तरह आप जो बात कर रहे हैं? हमें शक क्या है, 3 दिन हो गए घटना घटे, 40 घंटे हो गए, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं करना, ये किस आप किस और इशारा करती है आप सोच लो। वो बरामद होनी चाहिए, गाड़ी के कौन ड्राइवर है उसका भी मालूम पड़ना चाहिए। मामला क्या है, किस वजह से इनको बुलाया, क्या मामला था इनका? इनका ये आपसी रंजिश मानो या कुछ भी मानो या यार दोस्ती का मानो, इनको रात को फोन करके बुलाया गया था। फोन करके बुलाने के बाद मैं बताऊं ताने बताऊं इन्हें बुलाया के तारे ट्रैक्टर को काम को नहीं आड़ो, तारे ट्रैक्टर में जनता की बात करा दी हूँ कि भाई ना बुलाया डाल कि भाई ना बुलाया मैं नौ डेढ़ में लोगों ट्रैक्टर गए वो धंधा पत्र बुलाया स्थगन आदेश के बाद कचरा नंबर 581 में भी पंजीयन हुए हैं वो मौके पर ही निरस्त किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है भाई, जब इन प्लॉटों के लिए स्टे आ गया तो स्टे के बाद में बिना प्लॉट नंबर के रजिस्ट्री हो रही है यहाँ घड़ेले से, और तहसीलदार इसके लिए जिम्मेदार है, इनसे रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री करवा करके रात को 10:30 बजे फोन आता है, वहाँ उनको बुलाया जाता है और बुलाकर को एकांत में ले जा करके उसका गला काट के उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर गाड़ी से उसको नोच के बताते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। तो साथियों, पुलिस भी अपने परिवार से ही पुलिस बनती है, ये तो है नहीं कि ऊपर से टपकती है पुलिस, वो भी औरत के जन्म लेती है, हम लोगों ने औरत के जन्म लिया है। तो बात यह है कि मामला कुछ और है और उसको घुमाया कुछ और जा रहा है, तो इस चीज़ में हमें भ्रमित नहीं होना है। हमारे जो पत्रकार मीडिया है उनको भी कल पुलिस ने भ्रमित कर दिया था, आज उस चीज़ को हमें स्थगित जो सबूत है कि जो स्टे आया वो भी अपन दिखाएंगे और स्टे के बाद में जो रजिस्ट्री हुई वो भी आपको दिखाई जाएगी। मैटर यही है, इस मैटर को लेकर के उस बंदे की हत्या हुई है, पूरे प्रूफ है हमारे पास। 3 नंबर हमारी मांग ये है कि मृतक के भाई सीताराम ने पुलिस थाना कुचामन सिटी में 00/79/2020 यह एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके पुलिस को धोखाधड़ी के सारे सबूत पेश करने के बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई चालान नहीं किया उसका। कुचामन थाने में अगर समय पर कार्रवाई की होती तो आज परमाराम और पेमाराम की हत्या नहीं होती। अतः दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले में सीताराम ने 19/3/2020 को एसपी नागौर से भी मिले और ये मिल रहा है जी लेटर है।
परंतु उन्होंने भी इस परिवार की कोई मदद नहीं की। कुछ अधिकारियों पर वो माफिया हावी है साबित हो रहा है। चौथी मांग हमारी ये है, अनुसूचित जाति के परिवार के साथ में भूमापियों के द्वारा दी गई जो धोखाधड़ी के पूरे षड्यंत्र का पुलिस जब तक खुलासा नहीं करेगी तब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसमें कल पुलिस ने एक षड्यंत्र रचा। लड़की है, इसको आपके सामने बता रहा हूँ। हाँ, क्या बात है उस्ताद? आप बता। मेरे पापा रात में ने कोई बुलाया था, जब गए हमने मना भी किया था, मैं जाऊँ कि नहीं, मैंने बाईपास पर बुलावे। बाद में बड़ा आदमी बुलाया, बाद में फोन भी किया, मन के जागती रह जे 10:30 बजे तक मारू बात करी। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में फोन करो तो कोई नहीं। मैं फोन कर करियो, आखिरी मैं सुबह खुद में फोन करियो ने, मैं फोन करियो जी, एक आदमी बोलियो कि आपको एक्सीडेंट हुआ। फोन उठाया तो रात में जब फोन आया तो कई क्यों था ने? मैंने कहा जागते रहे जी। हाँ तो नहीं बन क्यों बन, किस का जा रहा है या नहीं, कौन बोल रहे? फोन के को आयो था पता है? पता है कि नहीं बताया, खुद को आयो नहीं पता है कि पापा का फोन बुला रहे? फोन आयो पापा ने बुलाया हुआ, बताया कोई नहीं बुलाया तो हाँ बन कोई नहीं बन के कोई आदमी बुला हुआ। मैंने सुबह पता चल कि भाई एक्सीडेंट हुआ।